गाइस, जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, हमारी एनिवर्सरी है 30th of June को. आज है 29th of June. सो हम दोनों ने अपने ऑफिस से लिया हुआ है ऑफ. मैंने आज का ऑफ 29 to 30 दोनों दिन ऑफ लिया है. चंदू ने आज का लिया है हाफ डे और कल का लिया है ऑफ. सो इस बार हम लोग एनिवर्सरी के लिए जा रहे हैं ग्लैम्पिंग पे. सो ग्लैम्पिंग इज लाइक स्टेयरिंग द स्टार्स एट नाइट एंड डूइंग कैंपिंग ऑल्सो. सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ कैंपिंग या बट इन अ रिफाइंड वे. सो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने बनाए हैं आलू जो हमारे बहुत फेवरेट हैं, और साथ में हैं पराठे रात को खाने के लिए. हम लोग जा रहे हैं अभी वुड्स में, तो हमने लिया है ये बक्स स्प्रे एक तरह का स्मोक एंड ड्राई अपने लिए, और साथ साथ एक ये लिया है न्यूट्रिशन के, ये एक तरह से बॉडी मिस्टर सनस्क्रीन का काम भी करता है. साथ ही हमने लिया है पिज्ज़ा भी जो हम वहाँ पर बना के खा सकते हैं. इट्स अ जैसे गर्म करना स्टार्ट होना है, साथ में एक पैन चाय के लिए, चाय पत्ती एंड ऑल. और अभी हम हो रहे हैं रेडी. अभी हम लाए हैं थोड़ी सी बियर के लिए. सो अगर मैं अपने इक्विपमेंट्स की बात करूं, तो मेरे इक्विपमेंट्स हैं अभी ये गोप्रो, साथ में हैं ये पूरा बैग्स जिसमें गोप्रो के एक्सेसरीज, गिम्बल, माइक और अंदर और भी बहुत कुछ है, मेमोरी कार्ड्स एंड ऑल. सो ये रहा हमारा सारा सामान. ऊपर पिज़्ज़ा, दूध, खाने पीने के आइटम, कटोरा, ये सब ही है, कुछ कुछ सब्जी, पराठे. ये देखिए कितना सामान, एक बैग, एक ही खाने का, इसके अंदर एक और मेरा अपना टैंक बैग, ये त्रिशिका का बैग और ये भी त्रिशिका का बैग. कितना सामान है यार. सो गाइस, बस अब हम निकलने वाले हैं. हमने त्रिशिका को सुबह वहाँ पे डे केयर में छोड़ा था, अब हम उसे डे केयर से पिक करते हैं और चलते हैं अपने ग्लेन ओरो फार्म. हमने त्रिशिका को ले लिया है डे केयर से, अब चलते हैं आगे. ये तो अभी हमें जाना है 76 किलोमीटर इसी रोड पे. सो ये रही त्रिशिका. मैडम को नींद आ रही है लेकिन सोना नहीं है, उसे भी देखना है यहाँ का बाहर का व्यू. बहुत भीड़ है आज, देखते हैं कैसे कैसे चलता है. ये है यहाँ के फार्म्स, कितने अच्छे लग रहे हैं. वाओ, वेरी गुड. लगाओ, पहनो, आप पहनो. वेरी गुड. दिखाओ पीछे. दिखाओ, मम्मा पहनाएगी त्रिशिका को. शेड्स पहनने का मन कर रहा है. पहनो. वेरी गुड. इधर देखो मम्मा को. त्रिशिका ने पहन लिए हैं शेड्स, और फिर शेड्स पहन के थोड़ा शर्मा भी रही है. हम पहुंच गए हैं ऑन रूट, अब लेंगे ब्रेक. गाइस, अभी हम पहुंचे हैं ऑन रूट में. अभी इसे निकाला है बाहर, चलते हैं अंदर देखते हैं कैसा है. टीशी, हेलो. मैं खाया खूब सारा चीज. जैसे कि हमने ऑन रूट पे लिया था ब्रेक, तो अभी हम निकल गए हैं वहां से. ये देखिए पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. आइए देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट रोड. अब हमने ले लिया है टर्न मेन अपने डेस्टिनेशन की साइड. त्रिशिका का तो बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे फंक्शंस होते हैं जैसे शादी हो गई. Bring like towels from your unit. Okay. There is a whiteboard.
सो गाइस, ये है हमारा रहने का एक दिन का, ये हमारा गैलेक्सी व्यू ठंडे हुए, ये है प्रोपेन बारबेक्यू, अंदर चलते हैं, आते हैं शुराक, स्टेयरवेज है, अभी दिखाता हूँ, हीटर, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वॉशरूम। सो वॉशरूम में आपका रहता है, इसका एक खास बात यह है ये प्रॉपर ग्रीन उसका है, तो इसमें पानी नहीं है, इट्स मोर ऑफ लाइक आप अपना काम करिए और उसे फेंकिए। आगे चलते हैं कि पानी साथ में नहाने का स्टैंडर्ड शार, चलते हैं यहाँ को आपका किचन। सो किचन में आ जाएगा आपका इनका मैनुअल, साथ ही आ जाएगा आपका स्टोव बर्नर, ये काफ़ी अच्छा है, इंडिया के बाद तो देखने को मिला है। आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये आपका सिंक और धोने वगैरह के लिए, आपका फ्रिज आइटम्स, और ये आपके कटलरी वगैरह। अंदर आते हैं तो अंदर आ जाता है आपका डाइनिंग टेबल। आगे चलते हैं तो ये आ गया आपका चिमनी सॉर्ट ऑफ फायर प्लेस, आप अपने ही आपके एक्स्ट्रा इन्होंने वुड्स दिए हुए हैं, साथ में इन्होंने ग्लव्स एंड ऑल, और साथ में इसके सारे इक्विपमेंट्स हैं लेने के लिए। तो ये आ जाता है आपका मेन व्यू, मेन व्यू आपका है डोम का व्यू, प्लस आपको एक काउच, अच्छा काउच मिला है, साथ में आपको यहाँ पे भी काउच, यहाँ पे भी काउच, ये आपके कुछ आपके मैच स्टिक्स रहेंगे और स्टैंडर्ड आपके कार्ड्स हैं, कार्ड्स भी देख सकते हैं, ये आपके रिपोर्ट डायरीज, ये आप अपने वो लिख सकते हैं आपका एडवेंचर कैसा रहा यहाँ पे। सो आगे चलते हैं, तो ये एक बंक बेड है जिसको आप नीचे करेंगे तो ये बेड बन जाएगा, अभी हम लोग तीन ही थे तो इसलिए बंद है, जनरली ये चार लोगों के लिए होता है, तो ये दो यहाँ और दो ऊपर सो सकते हैं। के चलते हैं, क्या व्यू है यहाँ से, अंदर से बाहर का व्यूज भी अच्छे हैं। आगे चलें, सो यहाँ रहा आपके स्टेयरवेज, ये रही चंदू, हेलो हाय, ये है त्रिशिका स्टेयरवेज पे आती हुई, हेलो त्रिशिका, हेलो। चलते हैं, ये रहा आपका रूम, वाह ये है इसका व्यू, जब मैं ऊपर से नीचे देखूं तो यहाँ जाता है, फैन है क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत हो जाती है। ये तो था अभी का जो हम लोग स्टार्टिंग पे आए हैं उसका व्यू, अभी जैसे जैसे हम यहाँ पे टाइम लगाते हैं अपना, आपको दिखाते हैं कैसा रहा और क्या है, ठीक है। ये देखिए नीचे का व्यू, जी चलो, दिल्ली में सिर्फ जंगल ही है वैसे तो, इसलिए दुनिया से परे आए हैं हम जंगल में। दिस इज आवर डोम, लेट मी शो यू फ्रॉम आउटसाइड, साथ ही में इसमें इन्होंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, लेट्स जस्ट चेक इट, ओके। सो ये वर्ल्ड्स बेस्ट फायर स्टार्टर किट, ओके, साथ पे आगे चलते हैं, ये इन्होंने हमें यहाँ पे दिया है बैठने के लिए, तो आज हम लोग शाम को सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्यों ना एक क्या हो जाए, बॉनफायर थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सिटी की रेगुलेशंस के हिसाब से हमें एक जो बकेट दी हुई है वो भर के रखनी है यहाँ पे, और बिना फायर ऑफ करे हमें यहाँ से नहीं जाना है। सो ये है इन अंदर का व्यू। सो हम लोग अभी त्रिशिका सो के उठी है और अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा यहाँ आसपास देखने कि क्या चल रहा है। टीशी देखो, हाय त्रिशिका, समझ नहीं पा रही है, उसका मूड खराब हो गया है। तो अभी देखते हैं क्या रहता है, और साथ ही साथ आज हमारी गोपो की थोड़ी बहुत एक्सेसरीज वगैरह जो थी वो आ गई थी, तो अभी हमने उसका लगाया, अब टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कैसा रहता है टेस्ट,
क्योंकि इसमें थोड़ा माइक वगैरह भी है, सो आई एम नॉट श्योर कि कैसा रहेगा, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। शीशी अब यह चलेगी नहीं। एक्चुअली यहाँ क्या सीन क्या है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे ये पूरा जंगल वाला टाइप का एरिया है, तो यहाँ पे कोई कंक्रीट चलने का वो नहीं है, तो उन्होंने हमें साफ मना किया कि आप ट्रोलर ना ही लाएं। यहाँ पे ये वाले कार्ट्स चलते हैं लोगों के लिए। सो देखिए जैसे जो डोम स्ट्रक्चर जो रहेगा, ये यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ चार हैं, तो चार में से एक हमारे पास है और बाकी के दो तीन इधर। इनकी बहुत एडवांस में बुकिंग चलती है, सो अगर आप यहाँ पर आने का सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं एडवांस में, क्योंकि ये बहुत ही सही है। संदू वैसे बताओ, वैसे ठीक है ना? वैसे अच्छा, मतलब ना वाईफाई है यहाँ और शायद सिग्नल भी इतने तेज नहीं है, सिग्नल भी बहुत वीक है, ठीक है? तो मतलब पूरा डिजिटल अगर आपको डिटॉक्स करना है बेस्ट है, बहुत अच्छा है। हमारे लिए ये अच्छा है कि हम अपने नए कैमरे की टेस्टिंग कर पा रहे हैं और उसके साथ जो फीचर्स मिले हैं उसकी। होपफुली कल से आपको घोड़े और भूसा दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो राइट ऑफ वे है वो हॉर्सेस का है, ऑल्दो इस तरफ तो नहीं मिलेंगे हॉर्सेस मिलेंगे बाहर। ये वाला भी शायद एक तरह का है, केबिन है, इसके चार तरह के थे, ठीक है? तो हमारा जो है वो सबसे टॉप वाला है, क्योंकि उसमें सब कुछ था, किचन और ऑल। हम तो सोच के आए थे यार डोसा खाएंगे, लेकिन आज सुबह ऐसा सीन रहा कि डोसा वगैरह का कुछ सीन ही नहीं बन पाया। सो हाँ, तो तीन चार इसमें वो हैं तरीके के। एक ये डोम वाला है, डोम वाले से एक नीचे आता है, उसमें क्या था इशू, ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट था उसके साथ सीढ़ियाँ मतलब बेड से ही चिपकी हुई थी, तो हमें वो त्रिशिका के साथ काफ़ी रिस्की लगा। ये दिखाना तो बस तो वाला हमने इसलिए नहीं किया था। ये दोनों तो यहाँ पे बैठ गए हैं, ये रहे। अभी मैं अपना देखता हूँ कि यार ये आग कैसे लगानी है, इसके लिए उन्होंने प्रॉपर वो दिया हुआ है जगह जहाँ पे आप लगाएंगे। अभी देखना पड़ेगा करना कैसे है, कभी किया नहीं यार मैंने, ट्राई करके देखते हैं। सो गाइस आग के तो हालत हो गई है ये, ठीक है? मोटे वाले जल रहे हैं और छोटे वाले जल चुके हैं। सो अब हम लोग करते हैं डिनर की तैयारी, ठीक है? हमारा अपना सेलिब्रेशन चल ही रहा है, बाकी जो हम आपको जब केक काटे हैं तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे एनिवर्सरी केक। आज के लिए इतना ही, आगे का दिखाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।